नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के समर्थन में कई लोग भी सामने आए। अब पंजाब के डीआईजी जेल ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के उप महानिरीक्षक जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने रविवार को कहा कि उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। जाखड़ ने आगे कहा कि उन्होंने शनिवार को राज्य सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के हजारों किसानों ने विभिन्न दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। दरअसल किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया का मोहताज होना पड़ेगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के समर्थन में कई लोग भी सामने आए हैं। अब पंजाब के डीआईजी जेल ने भी प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के उप महानिरीक्षक जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने यह फैसला किया। रविवार को उन्होंने नए कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में अपनी सेवा से इस्तीफा दे दिया। जाखड़ ने आगे कहा है कि उन्होंने शनिवार को राज्य सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के हजारों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। दरअसल किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की दया का मोहताज होना पड़ेगा। तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, चंडीगढ़ लिए चलेंगे। विनीत कपूर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या वाकई में किसानों के समर्थन में ये जाखड़ साहब अपना इस्तीफा दिए हैं या फिर कुछ और वजह? जो अपना रेजिग्नेशन दिया गया है और इस रेजिग्नेशन के असल मायने में जो कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की यहाँ पर उन्होंने डिमांड किया है और सीधे तौर पर खुद कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो ये इस्तीफा दिया गया है, इसका अहम कारण यही है कि वो किसानों का समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और इसी आंदोलन के चलते वो अपना इस्तीफा जो है उन्होंने गृह सचिव जान को भेज दिया है। हालांकि गृह सचिव जो है इस पर मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या वाक्य में ही जो जाखड़ हैं, डीआईजी जेल हैं, उनका क्या इस्तीफा को स्वीकार करना है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह के इस्तीफों से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को और ज्यादा बल मिलता नजर आ रहा है और किसानों का मनोबल जो है वो लगातार ऊंचा होता नजर आ रहा है। क्योंकि पहले की अगर बात करें तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और जो राज्यसभा सांसद हैं सुखदेव सिंह ढींसा पद्म विभूषण सम्मान अपना केंद्र को वापस लौटाते नजर आए, उसके बाद खिलाड़ी जो कि एक से भी दो दर्जन से ज्यादा जो खिलाड़ी थे उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि उनको जो भी अवार्ड मिले हैं, चाहे उसमें द्रोणाचार्य सम्मान की बात करें, चाहे उसमें अर्जुन अवार्ड की बात करें, वो सभी के सभी पदक जो है केंद्र को वापस लौटा देंगे। तो एक बड़ा हुजूम जो है वो किसानों के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी वर्ग पहले ही किसानों को समर्थन दे चुका था और अब डीआईजी जेल ने जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश कर दी है तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि आखिर कब मोदी सरकार जो है वो किसानों की मांगों को लेकर संजीदा होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि 15 तारीख को एक बैठक होगी जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार एक नया प्रस्ताव जो है वो किसानों के समक्ष रखेगी ताकि किसान आंदोलन खत्म होता हुआ नजर आए। लेकिन रणनीति अंतिम किसानों ने ही फाइनल करनी है क्योंकि पहले भी 5 सूत्री जो एक प्रस्ताव था उसको किसान कहीं ना कहीं मानने से इंकार कर चुके हैं। तो नए प्रस्ताव पर किस तरह से वो विचार विमर्श करते हैं और जाखड़ का जो इस्तीफा है इसको कैप्टन सरकार किस लहजे में लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी विनीत, अब इसे क्या कहा जाएगा, क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था किसान भोले भाले होते हैं, किसान पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब तो एक बड़े पद पर रहने वाले पंजाब के डीआईजी जेल ने इस्तीफा दे दिया है, समर्थन कर दिया। उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि डर है किसानों को और हम उनका समर्थन करते हैं कि कहीं हमें कॉरपोरेट घरानों की दया का मोहताज ना होना पड़े। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में चाहे कोई अधिकारी है, चाहे पंजाब में खिलाड़ी है, उनका कहीं ना कहीं सरोकार जो है वो किसानी से है। उनको पता है किसानों की दिक्कतें क्या है, किसानी किस ढंग से होती है और इस वक्त पंजाब के किसानों की हालात क्या है, इसका अंदाजा हर एक पंजाबी को है। इसी वजह से हर एक पंजाबी जो है वो आज किसानों की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है, उनके आंदोलन का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। ना केवल हम इस अधिकारी की बात करें बल्कि बीजेपी के अपने कुछ जो किसान संघ के नेता थे उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और वो किसान आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। मालविंदर सिंह की बात करें,
पढ़े लिखे शख्स हैं, बीजेपी की बागडोर अच्छे से संभालते नजर आ रहे थे। शिरोमणि अकाली दल की बात करें, उस समय में बीजेपी के उच्च पदाधिकारियों में शुमार थे, उनकी तरफ से जब बीजेपी का दामन छोड़ा गया, इसके अलावा भी कई बीजेपी के लीडर जो है वो जब बीजेपी का साथ छोड़ के कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन में उसका हिस्सा बनते नजर आए, तो स्पष्ट है कि आखिर इन कानूनों को लेकर जो शंके हैं वो अभी भी दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो शंकाएं दूर करने की केंद्र लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर कोई भी शंका है तो फिर किसान अपना एक जो सुझाव है वो कहीं ना कहीं केंद्र को दें, लेकिन यहाँ पर किसान स्पष्ट कह चुके हैं कि आपने जो कानून बनाए हैं हमें वो कानून किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है, सबसे पहले आप उन कानूनों को रद्द करने का काम करें, नए कानून बनाए। अगर आपको लगता है कि किसानी को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए कानून की जरूरत है तो फिर नए कानून बनाए, लेकिन उन कानूनों में किसानों की राय और विचार विमर्श जो है उसको जरूर शामिल किया जाए और पहले किसानों से चर्चा हो कि आखिर जो उनके लिए केंद्र कानून लेकर आई है उसमें क्या उनको फायदा होगा। क्योंकि इस कानून की बात करें तो इसमें केवल सुनील एमएसपी का जिक्र नहीं है, इसमें जो किसानी है उसका निजीकरण होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट मंडियां जो हैं वो सरकारी मंडियों के पैरलर खड़ी होती नजर आएंगी, तो फिर ये कहां पर सुनिश्चित है कि सरकारी कंपनियां जो हैं वो पहले की तर्ज पर आकर किसानों की फसल की मंडियों के अंदर खरीद करेंगी, क्योंकि अगर सरकारी खरीद नहीं होगी तो फिर मजबूरन किसान को अपनी फसल लेकर प्राइवेट मंडियों में जाना पड़ेगा, जहां पर जो निजी कह सकते हैं बिजनेसमैन होंगे वो कभी भी एमएसपी पर किसान की फसल की खरीद नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा शंका यही है। इसके अलावा जमीन को लेकर शंका है कि कहीं जमीन ना कुर्क हो जाए, इसके अलावा भी कई शंकाएं हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। और जो 15 तारीख की बैठक होने वाली है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसमें अब तो केंद्र की मोदी सरकार संजीदा होगी, क्योंकि अगर अब संजीदा नहीं हुई तो फिर बातचीत का जो माहौल बन रहा है वो खत्म सा होता नजर आएगा और आंदोलन जो है वो पूरी तरह से तेज होकर अपनी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। विनीत, एक सवाल और जाखड़ साहब से ही जुड़ा हुआ, क्या आने वाले समय में जाखड़ साहब किसी राजनीतिक दल का हाथ थामेंगे? क्योंकि हमेशा से इस तरह की एक स्थिति रही है कि जब जब बड़े आंदोलन हुए तो कई नेताओं का जन्म हुआ उन आंदोलनों से। देखिए, फिलहाल अगर हम जाखड़ की बात करें तो सीधे तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उन्होंने इस दिशा में कोई विचार नहीं किया कि क्या वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे, क्या वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे, क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, इसका अभी उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हाँ, वो इतना जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल उन्होंने जो इस्तीफा दिया है किसानों के समर्थन में दिया है, किसानों के आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं, केवल यही वो अहम कारण बता रहे हैं अपने इस इस्तीफे का। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में उनका यह इस्तीफा पंजाब की सियासत में क्या कुछ सरगर्म माहौल जो है वो खड़ा करता हुआ नजर आता है, और जाखड़ का अगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उनका अगला कदम क्या रहने वाला है, क्या वो राजनीति में आएंगे, अगर राजनीति में आते हैं तो किस पार्टी का दामन थामेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल विनीत, बने रहिएगा, अगली खबर भी पंजाब से ही जुड़ी हुई। पंजाब से किसानों का दिल्ली आना लगातार जारी है। पंजाब से सिंघू बॉर्डर पहुंचने के लिए किसानों का जो जत्था जत्थेबंदियां हैं वो लगातार निकलती हुई नजर आ रही हैं और कूच कर रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। 16 दिसंबर को तकरीबन 500 ट्रॉली सिंघू बॉर्डर भी पहुँचने की बात कही गई है, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगातार पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच की जा रही है और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विनीत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनीत, दिल्ली कूच करने के लिए ये जो स्थिति है हाईवे पर, हालांकि बाकी हाईवे पर चीज़ें देखें ना देखें, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और किसानों के समर्थन में लोगों की गाड़ियाँ जिन पर सीधे तौर पर किसानों के लिए जो हुंकार लिखी हुई है, जो समर्थन के लिए स्लोगन लिखे हुए हैं, वो जरूर दिल्ली की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं चलते हुए। हजारों की संख्या में हर रोज अभी भी किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा बॉर्डर की अगर बात करें तो पंजाब हरियाणा के जहां पर भी बॉर्डर है, चाहे हम सिंधू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम शंभू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम खनौरी बॉर्डर की बात करें, चाहे हम जो कह सकते हैं सैदपुर बॉर्डर की बात करें या डब वाली बॉर्डर की बात करें, वहां से अभी भी लगातार किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लगातार किसान जो है पलायन कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, ताकि वहां पर
जो किसान पिछले काफी दिनों से मोर्चा लगाए बैठे हैं उनके मोर्चे में ये किसान भी कहीं ना कहीं उनके साथ देते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जहां जहां पर भी धरने प्रदर्शन जारी है सुनील, वहां की अगर हम तस्वीर की बात करें तो वहां पर महिलाएं बच्चे जो हैं अब उन धरना स्थलों पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह से पंजाब के टोल प्लाजाओं पर धरने अभी भी जारी हैं, टोल बिल्कुल मुक्त कर दिया है पंजाब में, तो ऐसे में वहां पर धरने जो हैं वो अभी भी जारी हैं। इसके अलावा कुछ मॉल्स के बाहर जो धरने चल रहे थे वो धरने जो है उठाए नहीं गए। और आज तो एक और तस्वीर देखने को मिली कि पटियाला के आसपास के कुछ इलाकों में बच्चे और महिलाएं जो हैं वो खेती करती नजर आई हैं, वो वहां पर अपने खेत को जोतते नजर आए हैं, फसल की कटाई करते नजर आए हैं, पानी देते नजर आए हैं फसलों को। यानी खुद पूरा का पूरा पंजाब जो है वो इन कानूनों के खिलाफ लामबंद हो चुका है और हर कोई अपने ढंग से अपनी भूमिका जो है वो अदा करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विनीत, और ये सिलसिला तो लगातार जारी है। इसके साथ ही जो प्राइवेट बस यूनियन है दिल्ली जाने के लिए किसानों के समर्थन करने के लिए, उन्होंने भी कह दिया कि हम आपको दिल्ली पहुंचाएंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने कदम उठाया है कि किसानों की जत्थेबंदियां जो जाएंगे उनके ट्रैक्टरों में हम डीजल मुफ्त में भरेंगे, यानी कि हर कोई समर्थन भी करता हुआ नजर आ रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर हर कोई किसान के इस आंदोलन में उसके साथ खड़ा होता नजर आता है। और डीजल की बात करें तो पंजाब में सबसे पहले एक पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई थी कि जो भी ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था, पेट्रोल पंप मालिक ने खुद फैसला लिया कि उस ट्रैक्टर का पेट्रोल जो डीजल है उसके अंदर डलने वाला वो मुफ्त में उसकी टैंकी फुल करके देगा ताकि किसान को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अब जो दिल्ली के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए अब काम देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कोहरा जो है वो अपना प्रकोप बखेरना शुरू हो चुका है, लगातार दो दिनों की बात करें तो जिस तरह से लगातार दो दिनों से पंजाब के अंदर दिल्ली के अंदर जो सर्दी है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में वहां पर काफी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। लेकिन हौसले पस्त नहीं हो रहे, और जिस तरह से यहां से लगातार सपोर्ट मिलती नजर आ रही है, राशन जो है वो लगातार दिल्ली पहुंचता नजर आ रहा है, खाने पीने का सामान जो है वो दिल्ली पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी हर कोई अपने ही ढंग से इस आंदोलन को समर्थन देने में जुटा है, किसानों की मदद करने में जुटा हुआ है, ताकि किसान जो है इस बार उन्होंने जो जंग शुरू की है उस जंग को जीत कर ही वापस आए और जो ये कानून है इनको पूर्ण रूप से रद्द करवाएं, तभी यह आंदोलन जो है एक मायने में सफल माना जाएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र के पाले में गेंद है कि आखिर 15 तारीख की जो बैठक है उसमें केंद्र किस रवैये के साथ किसानों के साथ टेबल पर बैठता है और आखिर उस बैठक का हल क्या निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB News इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज, राजधानी लाइव, हमारी नजर आपका फैसला हर रोज सुबह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीधा लिए चलेंगे दिल्ली आपको, जहां पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और इस ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनका उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि बीएमसी जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है, सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से इसको तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो वही फैसला जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे और ये जो आंदोलन है ये इस सिस्टम से चलाया जाएगा। और आगे अपनी बात टिकैत साहब रखें।
धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का जिन्होंने 18 दिन तक ये कवरेज किया और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस किसान आंदोलन की कवरेज अच्छी तरह से करते रहोगे। सबसे पहला मेरा ये है कि चौधरी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा, वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो उस चीज़ के लिए मानेंगे और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DC मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम आओगा, उसमें ये जो इशू हैं सारे वे इशू उसमें रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पर रहेंगे जो लीडरशिप है और जहाँ जहाँ हमारी नाकेबंदी है, यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा, उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा गया प्रेस अब अपनी प्रेस जरूर करें, कल भी जैसे ही भूख हड़ताल खत्म होगी तो अपनी प्रेस वो करें जो भी वहाँ पे मौजूद हमारे लोग हैं ये करें। और दूसरा हमारे पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट्स हमारे बीच में ना आ जाए, जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में है वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी, हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी ही इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है और इनको सबको जो नौजवान साथी है मेरे इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है, यानी कि कोई पुलिस पर डरा पत्थर फेंक दे उसकी भी निगाह हमको रखनी है, हर मूवमेंट की निगाह हमको रखनी है। मूवमेंट हमारा सही दिशा में जा रहा है, हमारे चारों तरफ नाकेबंदी है और हम अभी हमारा ये सब प्लान है कि हम यहीं जो स्टे हो गया है। तो कृषि कानूनों को लेकर किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा है और कल 14 तारीख को क्या कुछ और बाकी चीज़ें होनी हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान जथेबंदियां किसान नेता जो हैं जानकारी दे रहे हैं। साथ ही कृषि कानून 2020 की वापसी की मांग को लेकर किसान अभी जिद पर अड़े हैं, अलग अलग किसान संगठनों के प्रदर्शन के बीच आंदोलन में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक BM सिंह के बयान की निंदा करते हुए बयान से खुद को अलग भी कर लिया है। कमेटी का कहना है कि सिंह के बयान का ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी समर्थन नहीं करती है। साथ ही आपको बता दें BM सिंह ने कहा था कि वह सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बाकी किसान संगठन सरकार से बातचीत करें या ना करें हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारी मुख्य मांग MSP गारंटी कानून है और अन्य मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत में चर्चा की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नरेश टिकैत जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। नरेश टिकैत जी अब सवाल यह है कि क्या वाकई में किसान यूनियन जो चल रही है देश भर में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक संगठन ये भी कह रहा है कि बाकी किसान बातचीत करें ना करें सरकार से हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, BM सिंह सरदार BM सिंह। अरे चलो हम तो खैर किसी की बुराई नहीं करते, पर एक तो बताओ जो किसानों का बगल हट जाएगा वो संगठन रहेगा क्या? किसानों की तो वह कर रहे मांग, BM सिंह भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे पर सब तक मिलजुल के चलना चाह, इस तरह के बयानबाजी देखा तो एक किसान विरोधी नीति है जी, और वही वही जो सरकार की नीति है तो जो किसान संगठन है तो क्या जवाब देंगे, आने वाले कल में तो बहुत भारी हो जाएगा ना। ये लगता नहीं जिस तरह से आंदोलन नरेश जी आगे बढ़ रहा है, आप लोग जो जिस तरह से लड़ रहे हैं और ये आंदोलन एक के बाद एक नए आयाम भी लिखता हुआ नजर आ रहा है, सरकार को मजबूर होना होगा आप लोग जिस तरह से इन अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बयान वो भी किसान संगठनों के द्वारा आने शुरू हो जाए तो ये आंदोलन को कमजोर करने वाला नहीं मानते आप? बिल्कुल कमजोर करने वाला है, कहीं ना कहीं उंगली उठे जी इस तरह की बात, हम लोग नहीं कहते एक किसान जब किसान सब जुड़ गया तो समय तो बहुत सोच विचार के
जुबान जुबान खोलने से आ रही, इस तरह के बयानबाजी तो बहुत गलत है। जैसे हमने चाहते उनका भी सम्मान है, ऐसी बात नहीं है भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे, पर हो सके भूल चूक उनका होगी, होगी कुछ करोड़ मरोड़ का उनमें ऐसा कहना नहीं चाहते हो, कहा गया होगा ऐसी बात नहीं, उन्हें भी कहेंगे हम भी कहेंगे भाई इस तरह की बात नहीं करो, सभी किसानों की निगाह है जी जो। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है नरेश जी, क्योंकि देखिए पंजाब के डीआईजी जेल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया किसानों के समर्थन में, वो उतर आए, उन्होंने अपने पद से पद ही छोड़ दिया, तमाम खिलाड़ी अपने सम्मान वापस कर रहे हैं, तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिन्हों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले वो अपना वापस कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, और किसान नेता अब इस तरीके के बयान देंगे, मैं गलत है जी बात, इस तरह की वो नहीं है बात, हम भी उनसे बीएन सिंह जी से बात करेंगे भाई, इस तरह की वो ना करो, एक उंगली उठे अच्छा नहीं लगता। लड़ाई किसानों की निगाह है जी, किसान संगठनों पे निगाह है, किसान संगठनों के जो जिम्मेदार है, इस तरह की बात कहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, किसान किस पे विश्वास करेंगे फिर जी। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात रखी आपने, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज, राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना, और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा, सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधे लिए चलेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है, उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया, इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। अब बाकी बस आप कुछ नहीं, सिंह तोमर को आप सुन रहे थे जो इन कृषि कानूनों को लेकर ही बात अपनी रख रहे थे, हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि सभी किसान संगठनों का बहुत स्वागत है और इस पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान की शाजापुर में 12 दिन से किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, शाजापुर में 12 दिन हुए हैं उनके आंदोलन को, जहां पर किसान प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, वो आपको बता दें कि
यहाँ पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर यानी कि जयसिंहपुर खीरा के पास ये बॉर्डर है और ये किसान अब दिल्ली कूच करने की लगातार जद्दोजहद में है। किसानों ने कहा है कि उन्हें राजस्थान और हरियाणा से किसानों का इंतजार है, उनके समर्थन का। जैसे ही वो किसान आगे बढ़ते हैं, हम लोग भी कूच कर जाएंगे दिल्ली की ओर। तो ये तस्वीरें बॉर्डर की तस्वीरें हैं और राजस्थान और किसानों के जो समर्थन मिलने की उम्मीद है इन लोगों को, उसके बाद ये आगे बढ़ने को लेकर भी जद्दोजहद करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, तो जयपुर से किसानों की कूच की खबर से हरियाणा पुलिस भी सतर्क है। रेवाड़ी के एसपी ने कहा है कि हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही है और जैसे ही किसान राजस्थान से निकलेंगे उन्हें उसकी सूचना मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और रेवाड़ी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, साथ ही धारा 144 लगा दी गई है, इसलिए उन्हें न तो यहाँ इकट्ठा होने दिया जाएगा और ना ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। रेवाड़ी में 3 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही जिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वज्र वाहनों को भी इंतजाम में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि डबल लेयर सिक्योरिटी है और ज़रूरत पड़ने पर आधे घंटे में बॉर्डर को बंद किया जा सकता है। हालांकि अभी उन्होंने बताया उस दरमियान कि बॉर्डर से आवागमन जारी है, लेकिन किसानों ने अगर यहाँ पर दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो फिर बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उसी बॉर्डर की जहां पर रेवाड़ी पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। राजेश जोशी हमारे सहयोगी जयपुर से बने हुए हैं, जबकि दूसरे हमारे सहयोगी अभिषेक वो हमारे साथ हरियाणा की खबर के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजेश आपके पास आऊंगा। राजस्थान से दिल्ली की ओर कूच करने के लिए किसानों की किस तरह की तस्वीर देखने को मिली आज? जी मैं बताना चाहूंगा कि 12 दिनों से ये किसान किसी कानून का विरोध कर रहे थे और वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि जयपुर और दिल्ली का रास्ता तो इन्होंने जाम कर दिया, टेंट लगा दिया, पर हरियाणा साइड का रास्ता खुला हुआ है। अब इनको इंतजार है हरियाणा व राजस्थान के कुछ किसानों के आने की, क्योंकि यहाँ का सामान पहुंच चुका है। जिस तर्ज पर हरियाणा व पंजाब के किसान पहुंचे थे उसी प्रकार इनके खाने पीने के टेस्टर आ चुके हैं। तैयारियां पूरी है, आगे कहीं ना कहीं सिग्नल मिलेगा तो उसके बाद ये यहाँ से रवाना भी होंगे। और ये बताना चाहूंगा कि इनकी कोटपूतली के अंदर एक बैठक हुई थी, उसके बाद रणनीति बनाई गई और उसके बाद किसान नेता और सभी शाजापुर पहुंचे हैं। अभी वर्तमान की बात की जाए तो अभी खाना पीना चल रहा है और नेताओं ने दिन भर संबोधित किया था, उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई है और यह कह सकते हैं कि वह कल सवेरे यहाँ से कूच कर जाएंगे। जी राजेश, चूंकि किसान सड़क पर है और मौसम भी बेईमान होता हुआ नजर आ रहा है, घने बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश भी हो सकती है, इस तरह का खतरा भी है, ऐसे में क्या कुछ और रणनीति है किसानों की? पूरा बताना चाहूंगा कि चूंकि मौसम विभाग ने 17 घंटों का राजस्थान के अंदर अलर्ट जारी किया है, बादल चले हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है, किसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अलाव जलाकर कहीं न कहीं रणनीति में तो बनाने में जुटे हैं, पर उनका एक इंतजार है कि कहीं किसानों के आने का संभावना है और किसान आने लगे हैं। पर्याप्त हरियाणा व राजस्थान से कुछ किसान वहां पहुंचेंगे, उसके बाद वे रवाना होंगे और उनकी रणनीति यही है कि ये तीनों बीज वापस लिए जाए, इसके लिए वे तैयार हैं, वो पूरी तैयारी से मैदान में उतरे हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, हरियाणा पुलिस की किस तरह की तैयारियां हैं और राजस्थान से किसानों के आनों को लेकर? देखिए, राजस्थान में जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार है, ये भी एक नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां जहां विपक्ष यानी कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां के किसान आगे बढ़ रहे हैं और वो सीधे तौर पर उनको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके हरियाणा में तो वही स्थिति है। अभी फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं और बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीरें हैं अभिषेक? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है और केंद्र की जो कांग्रेस पार्टी है और कहीं प्रदेश की कांग्रेस ने भी समर्थन दिया हुआ है इस किसान आंदोलन को और पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो राजस्थान के जो किसान राजस्थान से हरियाणा में एंटर करेंगे उसके लिए तो जो बॉर्डर एरिया वाला, जैसे रेवाड़ी का बात करें या नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जो है वहां धारा 144 लगाई गई है और जो
जो और राजस्थान पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस ने जो पूरा कोऑर्डिनेशन अपना बना के रखा हुआ ताकि किसी तरह की समस्या ना हो, और वहीं पर जो बॉर्डर पे जो सील किया गया उस वजह से जो राजस्थान की तरफ जाने वाले हरियाणा से राजस्थान की तरफ जाने वाले जो वाहन है उनके लिए रूट भी जो डाइवर्ट करने की बात सामने आ रही है कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए ये ऐलान किया गया था किसानों की ओर से कि 12 तारीख से जयपुर हाईवे, जयपुर जो दिल्ली को कनेक्ट करता है हाईवे, उस पर शुरुआत हो जाएगी किसानों के बड़े मूवमेंट की और 14 तारीख तक ठप कर दिया जाएगा। तैयारी किस तरह की है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति बनेगी कि जयपुर हाईवे ठप हो जाएगा या फिर निरंतर जारी रहेगा, यहाँ पर आवागमन ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहेगी, ऐसा मोर्चा संभाला है क्या पुलिस ने? जी देखिए बिल्कुल, किसानों का जो आह्वान है उन्हें वो पूरा या उसमें कामयाब होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान और जो दिल्ली का जो नेशनल हाईवे उसको हम बंद कर देंगे और उस पर वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने में कामयाब भी रह सकते हैं, क्योंकि जो उस बल प्रयोग किसी तरह का राजस्थान की ओर से नहीं किया जाएगा, पुलिस उनको किसी तरह का रोकने का प्रयास कम करेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और उसमें उनको पूरा वो समर्थन के तौर पर दिखेगी और कांग्रेस ने समर्थन दे रखा है किसानों को, तो जो रूट है वो डाइवर्ट किया जाएगा पूरी तरह से। जो ये नेशनल हाईवे जिस तरह की सामने आ रही है सिचुएशन, उससे यही लगता है कि पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा किसानों की ओर से ये नेशनल हाईवे। और जो अब बात आ रही है पुलिस की, हरियाणा पुलिस की जो है रेवाड़ी में 3 जो कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्स की बुलाई गई है, पुलिस फोर्स तैनात किए गए, ब्रज वाहन जो है उसका भी इंतजाम किया गया है और डबल लेयर सिक्योरिटी का व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या आए तो उसे तुरंत निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है, किसान जहां तहां डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए ऐलान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही 14 दिसंबर को किसानों ने भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। इस बीच आम लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के चलते 12 दिन से बंद पड़े दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को अब खोल दिया गया है। शनिवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात हुई थी और इसके बाद बॉर्डर खोलने पर सहमति बन गई। तो आपको ये बता दें कि नोएडा से दिल्ली को कनेक्ट करने वाला चिल्ला बॉर्डर अब खोल दिया गया है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर अब खोल दिया गया। शनिवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी और इसके बाद बॉर्डर खोलने पर सहमति बन गई। अब नोएडा से दिल्ली अब चिल्ला बॉर्डर के रास्ते आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि यह पिछले 12 दिनों से बंद पड़ा था। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग थी और किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में आम जनता को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हजारों लोग जो है वो दिल्ली से नोएडा उनका आवागमन होता है गाड़ियों के माध्यम से, वो इस लिहाज से भी क्योंकि नोएडा जाने वाले जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो दिल्ली से आना जाना उनका रहता है और ऐसे में उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उनके लिए ये राहत की खबर है कि किसान संगठन के जो प्रतिनिधि थे उनसे जब मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर ने जब मुलाकात की, उसके बाद सहमति बनी कि उस बॉर्डर को खोल दिया जाए, वहाँ से आवागमन लोगों का सुचारू होना चाहिए। राजीव हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजीव, चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है, अब राहत की सांस जरूर ली होगी लोगों ने, क्योंकि DND पर जो जाम की स्थिति थी उस जाम से भी जूझ रहे थे दिल्ली और नोएडा निवासी। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो पूरे देश के अंदर जो किसानों ने कह सकते हैं रास्ते बंद करे हुए थे, यानी कि खासतौर पर दिल्ली के, तो दिल्ली के जो तमाम रास्ते थे वो बंद थे। मगर आज की बात करें तो यानी कि आज जो 13 दिसंबर को कहीं ना कहीं जयपुर हाईवे रास्ते को रोकने के बाद में और उसको कहीं ना कहीं उस पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, मगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली जो नोएडा रास्ता है वो कहीं ना कहीं
खोल दिया गया है, क्योंकि किसानों ने कोशिश जरूर की थी उसको बंद करने के लिए और लगातार कई दिनों से बंद भी था, लगभग 12 दिनों से बंद था वो, और कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। मगर कहीं ना कहीं आज पुलिस बल के दबाव के बारे या फिर क्या है, किसानों ने खुद अपने आप समझ के कहीं ना कहीं समझौता करके उसको रास्ते को खोल दिया गया है ताकि जनता वहां से आना जाना कर सके। मगर कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट है, लगातार किसानों की जो मांग है वो अभी भी वही की वही है, क्योंकि जब तक वो हटेंगे नहीं सरकार मानेगी नहीं। मगर हाँ, सरकार की तरफ से अभी भी बातचीत का दौर शुरू किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पहले भी 6 बातचीतें हो चुकी हैं उसका बेशक बेनतीजा रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, समझौता करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता है वो निकालने की कोशिश करें और ताकि किसान भी बीच का रास्ता इन मसलों पर तो निकल रहा है राजीव, और निकालने की लगातार जद्दोजहद भी चल रही है, लेकिन अभी कोई रास्ता और साफ हुआ चिल्ला बॉर्डर के अलावा दिल्ली में? फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं बाकी बॉर्डरों की, बाकी इलाकों की? देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पे आज भी किसान बैठे हुए हैं और वही रास्ता उन्होंने बिल्कुल जैसे लगभग 17 दिनों से बंद कर रखा था वैसे आज भी बंद है, और कहीं ना कहीं और बाद रास्तों की बात करें वो भी बंद है। मगर हाँ, छोटे मोटे जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर खुले हुए हैं जिनसे लोग भाग अपना आवाजाही कर रहे हैं, मगर उनसे बड़े रास्तों के उनसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल सकती है, छोटी गाड़ी जरूर निकल सकती है। मगर हाँ, जिस तरीके से कह सकते हैं दिल्ली जो नोएडा का रास्ता था वो जरूर खोल दिया गया, यानी कि चिल्ला बॉर्डर जो था वो खोल दिया गया ताकि उससे कम से कम नोएडा जाने वाले जो कह सकते हैं लोग हैं या फिर नोएडा से दिल्ली आने वाले जो लोग हैं वो कम से कम राहत के साथ ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जनता की तरफ से भी कि सरकार इनकी जो मांगे हैं किसानों की वो माने ताकि किसानों की जो मांग पूरी होने के बाद में कम से कम जनता को राहत के साथ मिल सकती है। मगर अभी भी बातचीत का दौर जरूर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छुटपुट बातचीत जरूर हो रही है और सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है किसान आए बैठ के बात करें, संगठन आए बैठ के बात करें, मगर अभी भी सरकार किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब तक सरकार रोल बैक नहीं करेगी यानी कि इस कानून को बैक नहीं करेगी जब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर सरकार अभी भी कोई बीच का रास्ता अपना तलाश रही है और कहीं ना कहीं इस कानून को वहीं की वहीं रहने देगी ताकि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, ताकि समझौता भी हो जाए और किसान वापस भी चले जाए और जो कह सकते हैं पूंजीपतियों से जो उनका रेवेन्यू की बातचीत है वो कहीं ना कहीं उनसे वापस आती रहे। मगर एक चीज जिस तरीके से बात करें, अगर प्रदर्शन खत्म भी हो जाता है, किसान वापस भी चले जाते हैं और ये कानून वहीं की वहीं बना रहता है, कोई बीच का रास्ता बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता मारी जाएगी उसके अंदर, क्योंकि जनता को फिर आगे चलकर रोटी खानी है तो महंगा आटा खरीदना पड़ेगा, वो भी कंपनियों का दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी, बाद में भी आएगी और पहले भी आएगी। और है अब उधर दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस यानी गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर है, ये कहा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने चिल्ला आनंद बिहार और डीएनडी अप्सरा के साथ ही भोपारा बॉर्डर से दिल्ली आ रहे लोगों को अलग रूट लेने की सलाह दी है। साथ ही पुलिस के मुताबिक सिंघू और चंदी पीयू मनियारी के साथ ही मंगेश बॉर्डर अभी भी बंद है और टिकरी के साथ धरसा बॉर्डर पर अभी भी ट्रैफिक मूवमेंट बंद है। तो राजीव, ये स्थिति तो बाकी रूट की भी है। देखिए एक चीज तो समझनी होगी, क्योंकि किसान अभी भी रास्ते जरूर बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर दिल्ली के तमाम जो रास्ते बंद कर देते हैं यानी कि जितने भी बॉर्डर है वो सबको बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो एंट्री करने की जगहें हैं वो बंद हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सीधा सीधा उसका फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो किसानों का प्रेशर है वो महसूस भी हो रहा है, इसीलिए वो सरकार बार बार कह रही है कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के द्वारा ही समाधान निकाला जा सकता है। मगर जिस तरीके से आज चिल्ला बॉर्डर जो खोला गया है किसानों के द्वारा तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों को राहत जरूर मिली है। मगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद से भी कहीं ना कहीं आने जाने की एंट्री खुली हुई थी, मगर हाँ थोड़ी बहुत प्रेशर जरूर था किसानों का, प्रेशर किसान अभी भी वहां बैठे हुए हैं, मगर रास्ता जरूर दिया जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि राहत की सांस जरूर है, कुछ लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है क्योंकि चिल्ला बॉर्डर खुल गया है, नोएडा और दिल्ली की कनेक्टिविटी अब फिर से सुचारू हो गई है। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।